मैं स्वागत करूं मित्रों का। और मित्रों आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार हमको मिलती रहती हैं, आप कार्यक्रम को बहुत प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। आज हमारे बीच में जो चार कवि हैं, वो बहुत बहुत दूर की यात्राएं तय करके हमारे बीच में आए हैं। आप उन कवियों को सुनोगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविताओं को सुनाते हैं। सबसे बड़ा नाम जिनको मैं सबसे पहले बुलाऊंगा वो हास्य के कवि हैं, क्योंकि हंसना आजकल हमारे फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी में बहुत मुश्किल हो गया है। जहां पर लोग अपने अवसाद से ग्रस्त हो वहां पर हंसी मुस्कान की छूट गई है। वो हंसाने का काम करते हैं, लोगों को मुस्कान देने का काम करते हैं। अनिल अग्रवाल से हिंदुस्तान का वो नाम है, जब आप सुनेंगे पहली बार हमारे सूर्य समाचार के सेट पर आए हैं। चार पंक्तियों के साथ इनको बुलाना चाहता हूं। किसी कवि ने लिखा कि निकाह इनका जब पड़ा परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और इन्होंने भी मारा दाव मौलवी हुआ चित, ये उनकी भी के साथ है वो इनकी भी के साथ। जोरदार ताली बजाइए, अनिल अग्रवाल जी को बुलाइए। नमस्कार मित्रों, सूर्य समाचार के इस बेहतरीन कार्यक्रम वाह कभी जी वाह में आप सभी को हार्दिक नमस्कार। और जिस बुलंदियों पर यह कार्यक्रम जा रहा है मैं बधाई देता हूं सूर्य समाचार को और अमित मेरा छोटा भाई इसको, जो ये कार्यक्रम बड़े सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर अपना नाम कमा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे कवि मित्रों के साथ एक काव्य पाठ आपके बीच, जिसमें राजनीति बातें होंगी, धार्मिक बातें होंगी, संस्कार की बातें होंगी और हास्य की बातें होंगी, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है। आवाज देके अभी आजकल जो लेटेस्ट बात चल रही है चिदंबरम साहब की, सवाल पूछते थे कैसे भागे, किसी को पता नहीं था कि क्यों पूछ रहे हैं, वो भागने का तरीका पूछना चाह रहे थे आप कैसे भागे, लेकिन वो भाग नहीं पाए। भागना सबके बस की नहीं है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, समर्पित करता हूं सुनिएगा साहब, चिदंबरम साहब के लिए। के अपने ही थप्पड़ों पे अपना गाल आ गया, वाह अच्छा। अपने ही थप्पड़ों पे अपना गाल आ गया, जो खुद ही पूछते थे वो सवाल आ गया। है शुक्र के उन्होंने कभी पैंट ना पहनी, बिन जेब की लुंगी में इतना माल आ गया। छोटी छोटी बातें करूंगा साहब। कश्मीर के बारे में बात हुई, धारा 370 हट गई, बड़ा कदम देश के लिए हुआ, मोदी जी ने किया, उनको पूरे देश की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन कुछ चौधरी देश अपनी चौधराहट के लिए हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखते हैं, तो अपनी अंदाज में मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी अपने अंदाज में कहेंगे, जनता अपने अंदाज में कहेगी, मैं अपने अंदाज में कहूंगा। पहले तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा अमेरिका की और चीन की, और आप सुनिएगा रशिया की। क्या चार पंक्तियों में बात कहता हूं। पहले पाकिस्तान में, कश्मीर हमारा है बता तुझको क्या लेना, कश्मीर हमारा है बता तुझको क्या लेना, जिसका कोई अमेरिका जिसका कोई मतलब नहीं अब उसको क्या लेना, जिसका कोई मतलब नहीं अब उसको क्या लेना। रसिया ने कहा आपसी मसला है ये उनका, जिसने जो किया ठीक किया मुझको क्या लेना, जिसने जो किया ठीक किया मुझको क्या लेना। अपनी भाषा में उन्होंने उत्तर दिया साहब, लेकिन मैं एक बात करूंगा कश्मीर के लिए, वो भारतीय माँ जिसके इतने सारे पुत्र थे, एक पुत्र कहीं बिछड़ा हुआ था, एक पुत्र कहीं जिसकी देखरेख नहीं होती थी, तो माँ भारती क्या कहती है कि माँ भारती को खोया हुआ लाल मिल गया। वाह, कश्मीर समस्या में बहुत सारी बात लोगों ने कही होगी, मेरा अपना अंदाज है कहने का, कहीं ना कहीं मस्ती ढूंढता हूँ उस अंदाज में भी। सुनिएगा साहब, कि माँ भारती का खोया हुआ लाल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया। कल लाल चौक पे तिरंगा लेके गया था, धरने पे वहां बैठा केजरीवाल पहली जगह कोई चोर नहीं छोड़ा। और साहब जब 370 लागू हुई तो पूरे क्या होने लगा, कौन लोग दुखी हो गए, किन लोगों को खुशी की आस थी, हाँ कौन खुश हो गए, सुनिएगा साहब समर्पित करता हूं। अमित भाई सुनो, आप भी सुन लीजिए, नहीं तो मैं सुनेगा। इमरान खान देखो बौखलाने लगे हैं,
महबूबा और अब्दुल्ला छटपटाने लगे हैं। एक सोनिया को है खुशी धारा जो हट गई, कश्मीर से राहुल के रिश्ते आने लगे। कश्मीर से राहुल के रिश्ते आने लगे हैं। और अब अब्दुल्ला और महबूबा की एक बात और बता देता हूँ साहब। जिन दो परिवारों ने, तीन परिवारों ने 60 साल तक इस धरा पर एक अत्याचार किया, कभी बेटे को मां से नहीं मिलने दिया, अपने बेटों की खुशहाली के लिए देश के बेटे की जिन्होंने बलि दे दी और कश्मीर को परखने नहीं दिया, मैं बताता हूं उनकी क्या वैल्यू थी और आज देश की नजर में क्या है। हकीकत में वो ये थे जो मैं बताना चाहता हूं। जो खुशबू बने फिरते थे वो गंध हो गए। कश्मीर घाटी की खुशबू बने फिरते थे साहब। जो खुशबू बने फिरते थे वो गंध हो गए, बनते थे वफादार वो जयचंद हो गए। कश्मीर वासियों से दगा की जिन्होंने, अब नजरों से गिर गए तो नजर बंद हो गए। नजरों से गिर गए तो नजर बंद हो गए। और अंतिम तक पर मैं स्थान लेता हूँ, समय की अपनी सीमाएं है साहब। मंगल पर हमारा एक अभियान चल रहा है, विशेष अभियान मंगल पर चल रहा है। और उस मंगल के अभियान के लिए बधाई देता हूं मोदी जी को और इस सरकार को, और जिन सरकारों ने पहले भी हमारे देश के लिए कुछ किया उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया। लेकिन जो मोदी जी ने किया उसके लिए विशेष 4 पंक्तियां रखता हूँ कि दुश्मन के हौसले को भी पछाड़ देंगे हम, दुनिया के नक्शे से उसे उजाड़ देंगे हम। जनता का साथ मोदी जी को मिलता रहा तो मंगल पे जाके भी तिरंगा गाड़ देंगे हम। धन्यवाद, नमस्कार। जो थे हमारे बीच में अनिल अग्रवंशी जी, हंसते मुस्कुराते हुए इन्होंने देश की बात की और देश के हालात क्या उसके बारे में बताया। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं अनिल अग्रवंशी जी। और इतनी अच्छी कविताओं के बाद, अनिल अग्रवंशी जी के बाद हम चलते हैं गीत की तरफ। गीत साहब, एक ऐसे गीत की मल्लिका हमारे बीच महाराष्ट्र से बहुत दूर की यात्रा तय करके हमारे स्टूडियो में आई है, निधि कशिश को आज हम सुनना चाहते हैं। निधि आइए और सूर्य समाचार के दर्शकों को बता दीजिए कि गीत कैसे सुना जाता है। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। निधि, सर्वप्रथम मैं सूर्य समाचार और अमित जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया है और बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि आज जब मैं पढ़ने जा रही हूँ तो मेरे माता पिता मेरे सामने बैठे हुए हैं, और इससे ज्यादा गौरव की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक जब भी पढ़ा है सबसे अच्छा मौका आज है मेरे लिए कि आज मैं अपने मम्मी पापा के सामने आपके सामने कुछ सादर कर सकती हूँ। अरे मानो Oh,
बजते हैं बिंदी या चूड़ी कम गंजम के सब नाम तुम्हारा कहते हैं मन सब अर्पण कर डाला तन मन सब अर्पण कर डाला फिर भी क्यों तड़ पाते हो कभी तुम बदरा बन के बरस